हेलो फ्रेंड्स, एनाटॉमी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम। हम लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में नंबर ऑफ सिस्टम वर्क करते हैं जिसके थ्रू हमारा बॉडी फंक्शंस करता है। जैसे कि मान लो कि आपका सर्कुलेशन का काम आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करती है, रीनल एक्सक्रीशन का काम आपके रीनल सिस्टम करती है, कोई हार्मोन्स का बैलेंस इम्बैलेंस होना ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम करती है, आपके जो खाना खाते हैं हम लोग उसका जो डाइजेशन या पाचन या जो भी एक्सक्रीशन करने का काम जो है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम करती है। उसी तरह हमारी स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का शेप और सपोर्ट बनने में हमारी हेल्प करती है। तो इसी सिस्टम को आज हम लोग जानने वाले हैं। तो डिटेल्स में देखने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली में स्केलेटल सिस्टम होती क्या है। अब स्केलेटन से हम लोगों को पता चलता है कि ये किसी बोन से रिलेटेड है या फिर हमारे एक स्ट्रक्चर के रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग जनरली हिंदी में भी इसको अस्थि कंकाल बोलते हैं। ठीक है, कंकाल या फिर अस्थि कंकाल तंत्र जिसको बोलते हैं हम, कंकाल तंत्र भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब स्केलेटल सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये हमारे बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क है। मतलब हमारी बॉडी जैसे बनी है उसका एक इंटरनल फ्रेमवर्क है ये हमारा स्केलेटल सिस्टम। अब इसमें कौन से ऑर्गन्स या फिर कौन से चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि पहला जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो बोन का होता है। ठीक है, उसके बाद में होते हैं लिगामेंट्स, उसके बाद में टेंडन्स। अगर हम लोग इसको मसल के साथ जोड़ दें तो इसको हम लोग मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम भी कह सकते हैं। मतलब अगर हम लोग मसल्स इसको इन्वॉल्व कर दें तो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है हमारे बॉडी का 20% पार्ट होता है। मतलब हमारा बॉडी का जितना भी वेट है उससे ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, 20% हमारे बॉडी का वेट कंट्रीब्यूट करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी में कुछ फंक्शंस करते हैं, जिसका पहला फंक्शन जो होता है या फिर जिसका पहला वर्क जो होता है वो होता है हमारे बॉडी का शेप एंड सपोर्ट। मतलब जो भी हमारे बोन्स या फिर जो भी हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसके ऊपर हमारे शेप एंड सपोर्ट डिपेंड होता है। मतलब मान लो कि आपका ये बॉडी है, ये बॉडी का शेप जो है ये हमारा पूरा हमारे स्केलेटल सिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है। मान लो कोई बोन फ्रैक्चर है या फिर कोई जॉइंट का डिसलोकेशन हुआ है उसकी वजह से हमारे बॉडी का शेप डिस्टर्ब होता है। तो इसीलिए पहला जो फंक्शन हमारा स्केलेटल सिस्टम करता है वो हमारे बॉडी को शेप देना होता है और दूसरा जो है वो हमको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी चीज़ हम लोगों को उठानी होती है या फिर वेट बेयर करना होता है तो हम लोगों को सपोर्ट देने वाली सिस्टम कौन सी होती है, हमारी मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम होती है। ठीक है, दूसरा और जो मेन फंक्शंस होता है इसका, मूवमेंट करना। मतलब अभी जो मैं लिख रहा हूँ, जो भी हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ उठानी है, कोई चीज़ रखनी है नीचे, ये जो मूवमेंट होते हैं ये भी हमारे मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होता है। मतलब अगर हमारे इस सिस्टम में कुछ फंक्शंस में खराबी आती है तो हमारे मूवमेंट्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए जो दूसरा फंक्शन होता है वो होता है इसका मूवमेंट। ठीक है, तीसरा और जो बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो हमारे प्रोटेक्शन का होता है। मतलब मान लो कि आपका जो क्रैनियम है, ठीक है ये जो क्रैनियम है आपका, इसमें आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो ब्रेन है इसका जो प्रोटेक्शन है वो कौन कर रहा है, आपका क्रैनियम कर रहा है जो कि एक स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो प्रोटेक्शन का काम करता है ये हमारे मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम करती है। मतलब प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स या फिर विसरल ऑर्गन भी जिसे हम लोग कह सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, ये कौन करता है, हमारी स्केलेटल सिस्टम करती है। ठीक है, तो अगर हम लोग जैसे हमने ब्रेन का देखा, अब हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को वो होता है हमारे वर्टेब्रिज। ठीक है, हमारे वर्टेब्रिज जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हमारा रिब केज है, रिब केज में ऊपर से जब रिब स्टर्नम ये जो बोन्स है ये हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए ये जो प्रोटेक्शन का काम है ये हमारी
मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम करती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हो जाता है। अब इसके बाद का जो फंक्शन है वो है उसका प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, अभी मान लो कि ये आपका लॉन्ग बोन है, ठीक है, ये लॉन्ग बोन है, ठीक है, तो इसमें दो तरह के बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं, एक होता है येल्लो बोन मैरो, ठीक है, और दूसरा होता है रेड बोन मैरो। जनरली बोन में एक मेडुलरी कैविटी होती है जो कि हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे जब बोन स्टार्ट करेंगे तब। तब तक ये इतना याद रखो कि यहाँ पे बोन में, लॉन्ग बोन में एक मेडुलरी कैविटी होती है जिसमें कि हमारा येल्लो बोन मैरो और रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। जो रेड बोन मैरो है ये हमारे हेमाटोपोएसिस का काम करता है, मतलब हेमाटोपोएसिस का काम करता है, मतलब हमारे जो ब्लड सेल्स है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये फॉर्मेशन का काम कौन कर रहा है? हमारा स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, या फिर हमारा रेड बोन मैरो जो कि एक स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट बन जाता है। ये मेन फंक्शन हुआ। उसके बाद में अगर देखेंगे तो स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, ठीक है, अब बोन्स में हम लोगों को नॉर्मली पता है कि मेनली दो मिनरल्स स्टोर होते हैं, एक कौन सा, जो कैल्शियम है, और दूसरा जो है फॉस्फरस, ठीक है, फॉस्फरस। ये दो जो मिनरल्स है ये हमारे बोन्स में या फिर स्केलेटल सिस्टम में स्टोर होते हैं, जब भी इनकी ज़रूरत होती है तो ये ब्लड में हमारे मिक्स हो जाते हैं, या फिर अगर ब्लड में जिसका स्टोरेज ज़्यादा होता है तो ये हमारे बोन्स में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका स्टोरेज हुआ। अब इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो ये स्केलेटल सिस्टम समझने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो है एक्सियल पार्ट और दूसरा जो है अपेंडिकुलर पार्ट। अब एक्सियल का मतलब ऐसा है कि मान लो कि ये आपका बॉडी है, ठीक है, अब इसके वर्टिकल सेंट्रल एक्सिस में जो भी बोन्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे एक्सियल पार्ट में आएंगे या फिर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आएंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरा जो सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, तो इसमें जो भी बोन्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आएंगे, और दूसरा जो है अपेंडिकुलर, मतलब हमारे जो लिम्स के जॉइंट्स है, बोन्स है, ये सब हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आएंगे। अगर हम लोग इसको सिंपली और कर दें तो जो एक्सियल्स के अलावा जो बोन्स प्रेजेंट है वो हम लोग अपेंडिकुलर मान सकते हैं, ठीक है। तो एक्सियल में कौन से बोन प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि जो सेंटर है बॉडी का, ठीक है, तो स्कल से स्टार्ट करेंगे, स्कल हुआ, उसके बाद में हमारे वर्टेब्रिज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे स्कल है, ठीक है, और सेंटर में दूसरा क्या पार्ट आएगा, हमारा रिब का पार्ट आएगा, स्टर्नम का पार्ट आएगा, ठीक है। इसीलिए जो सेंटर में आते हैं तो उसको हम लोग एक्सियल बोलते हैं, उसमें से पहला जो है वो है स्कल का पार्ट, ठीक है। अब इस स्कल में टोटल 29 बोन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग एक्सियल की बात करें तो यहाँ पे टोटल 80 बोन्स इन्वॉल्व होते हैं और अपेंडिकुलर में टोटल 126 बोन होते हैं, ठीक है। अब टोटल मिला के हमारे 206 बोन होते हैं हमारे बॉडी में। हम लोगों को पता है कि टोटल मिला के 206 एडल्ट बॉडी में 206 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से 80 जो है या फिर 80 जो है वो एक्सियल होते हैं और 126 जो है ये अपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। उसमें से हम लोग स्कल देख रहे थे तो स्कल में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं, 29 होते हैं। अब इसका जो डिवाइडेशन है, अगर हम लोग क्रैनियम देखें, ठीक है, तो क्रैनियम में हमारे 8 बोन हैं। हमारे फेशियल का अगर हम लोग पार्ट देखें तो फेशियल में 14 बोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो मिडल ईयर का पार्ट इसी में आता है, मिडल ईयर। अब मिडल ईयर में मेनली 3 बोन प्रेजेंट होते हैं, तो एक ईयर के 3 और मतलब 2 ईयर के 6 हो गए। और जो लास्ट बचता है पार्ट वो हायोइड बोन का होता है, ठीक है, हायोइड बोन की संख्या 1 है, ठीक है। ये कुल मिला के टोटल 29 बोन हमारे स्कल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर हम लोग स्कल का पार्ट देखें और बकल कैविटी से लेके पूरा क्रैनियम तक का पार्ट देखें तो टोटल मिला के हमारे 29 बोन हमारे स्कल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें जो हमारा रिब केज है या फिर हमारे रिब्स जो है, ठीक है, इसके 12 पेयर्स होते हैं। ये पेयर्स में प्रेजेंट होती है, मतलब लेफ्ट साइड में 12 और राइट साइड में 12, तो ये 12 पेयर होते हैं। तो 12 पेयर मतलब टोटल मिला के हुआ 24, ठीक है, मतलब स्कल में हुआ 29,
रिब्स में हुए 24, स्टर्नम का संख्या हमको पता है एक ही है, ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में स्टर्नम एक ही है, और जो हमारे वर्टेब्रिज है ये होते हैं 26 वर्टेब्रिज। अब इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग इसके पार्ट्स में देखें, जब हम लोग स्कल पढ़ेंगे तो स्कल का पूरा जो अभी जैसे मैंने बताया कि क्रैनियम में कौन से 8 बोन होंगे, फेशियल में कौन से 14 बोन होंगे, मिडल ईयर का कौन से 6 बोन होंगे, ये हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि स्कल में हमारे पूरे 29 बोन्स हैं, रिब्स में हमारे 12 पेयर मतलब 24 रिब्स प्रेजेंट है, स्टर्नम एक और वर्टेब्रा 26, ऐसे टोटल मिला के हमारे 80 जो बोन्स है ये हमारे एक्सियल सिस्टम का पार्ट है या फिर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, मतलब जो सेंट्रलाइज सिस्टम है या फिर सेंट्रल एक्सिस के अंडर जितने भी बोन आएंगे वो हमारे एक्सियल कहलाएंगे, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट कहलाएंगे, जिसमें कि हमारे टोटल 80 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो अपेंडिकुलर में क्या क्या प्रेजेंट होगा। अब जो भी एक्सियल के अलावा प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में जितने भी बोन, हम लोग उसको अपेंडिकुलर कह सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला जो होता है वो होता है पेक्टोरल गिर्डर, ठीक है। पेक्टोरल गिर्डर में मेनली दो बोन्स आते हैं, एक तो क्लेविकल हमारे जिसको हम लोग कॉलर बोन बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है स्कैपुली, ठीक है। ये हमारे क्लेविकल और स्कैपुली, ठीक है। अब ये क्लेविकल दो है और स्कैपुली दो है, टोटल मिला के ये हो गए 4 बोन, ठीक है। अगर हमारी अपर लिम अगर हम लोग देखें तो अपर लिम में टोटल मिला के हम लोगों को 60 बोन मिलते हैं। जब हम लोग अपर लिम के पूरे बोन्स पढ़ेंगे तब हम लोग इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखेंगे, लेकिन अभी के लिए संख्या याद रखो कि ये अपर लिम में टोटल 60 बोन होते हैं, मतलब जैसे ह्यूमरस हुआ, रेडियस अल्ना हुआ, ठीक है, कार्पल बोन हुए, मेटाकार्पल बोन हुए, ठीक है, इसके साथ साथ टोटल मिला के ऐसे 60 बोन हमारे अपर लिम में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में अगर पेल्विक गिर्डल हम लोग देखें तो पेल्विक गिर्डल में हम लोगों को 2 बोन मिलते हैं जो कि हिप बोन होते हैं, ठीक है, हिप बोन हमारे 2 होते हैं। और उसके बाद में लोअर लिम में भी हम लोगों को सिर्फ 60 ही मिलते हैं, ठीक है। अब ये टोटल मिला के हमारे 126 बोन होते हैं, ठीक है, मतलब हमारे अपर लिम में 60, लोअर लिम में 60, ठीक है। और हमारा जो पेक्टोरल गिर्डल है उसमें 4 बोन, और हमारे हिप गिर्डल में या फिर हम लोग पेल्विक गिर्डल जिसको बोलेंगे उसमें हमारे हिप बोन होते हैं वो 2 प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल मिला के हमारे 126 बोन कहाँ पे आते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। मतलब हमने जो दो सिस्टम देखे अभी, स्केलेटल सिस्टम को दो पार्टों में डिवाइड किया, एक एक्सियल और दूसरा अपेंडिकुलर। एक्सियल में कौन सा, जो सेंट्रलाइज पार्ट है आपका सेंट्रलाइज सिस्टम में, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस में जो भी पार्ट्स आता है, जो भी बोन्स आते हैं, जिसमें से स्कल हुआ, आपका फेशियल बोन हुआ, आपके रिब्स हुए, स्टर्नम हुए, ठीक है, इसके बाद में आपके वर्टेब्रिज आते हैं। तो ये जो पूरे बोन्स हैं ये टोटल मिला के 80 है, और ये आते हैं हमारे एक्सियल में। और दूसरे जो होते हैं अपेंडिकुलर, जो कि हमारे मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, ठीक है, हमारे लिम्स को बनाने में मदद करते हैं, वो होते हैं टोटल 126, जिसमें कि अपर लिम में 60, लोअर लिम में 60, ठीक है, आपके पेल्विक गिर्डर में 2 और हमारे पेक्टोरल गिर्डर में 4 बोन, ठीक है। ये इसका स्केलेटल सिस्टम का 2 भागों में डिवाइडेशन हुआ। अब हम लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में नॉर्मली 206 बोन है, ठीक है, ये लेकिन ये एडल्ट का है। अगर हम लोग न्यूबॉर्न बेबी की बात करें तो न्यूबॉर्न में ऐसा कहा गया कि 300 बोन हमारे न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब 300 में से कुछ बोन्स ऐसे हैं जो आगे चल के एडल्ट जब हम लोग बड़े होते हैं तब ये फिक्स हो जाके टोटल मिला के 206 बोन एडल्ट लाइफ में हम लोगों को देखने मिलते हैं। ये अगले हम लोग आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में आचार्य चरक ने बोन्स की संख्या 360 बताई है, ठीक है। और अगर आचार्य सुश्रुत की बात करें, जो कि सर्जरी के एक फादर माने जाते हैं, आचार्य सुश्रुत जी ने हम लोगों को बोन्स की संख्या बताई है टोटल मिला के 300, ठीक है। इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन हम लोग फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन अभी तक आयुर्वेद का अगर देखना चाहो तो आचार्य चरक ने 360 बोन्स बताए और आचार्य सुश्रुत ने हम लोगों को 300 बोन की संख्या बताई। अब इसके बाद में मॉडर्न के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये जो बोन्स है, जो 206 बोन्स है, ये हम लोगों को क्लासिफाई करने मिलते हैं कुछ कैटेगरीज में, ठीक है।
मतलब उसके ये शेप के आधार पे हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं ये फर्दर। कैटेगरी में ठीक है, जैसे मान लो कि लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, कुछ इरेगुलर होते हैं, कुछ फ्लैट्स होते हैं और कुछ सेसमॉइड बोन होते हैं। ठीक है, मतलब पहला जो अगर हम लोग प्रकार देखें तो लॉन्ग बोन्स होता है, दूसरा शॉर्ट होता है, तीसरा फ्लैट बोन होता है, चौथा इरेगुलर बोन होता है और पाँचवा सेसमॉइड बोन। इन मेन पाँच कैटेगरीज में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। एक दूसरा भी कैटेगरी कुछ किताबों में दिया है जिसको हम लोग न्यूमैटिक बोन्स भी बोलते हैं, जिसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन जो है हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम इज द फ्रेम फॉर द बॉडी ऑफ एनिमल एंड इट इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। ह्यूमन बीइंग्स हैव 206 बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। Skeletal system is grouped into axial skeleton and appendicular skeleton. Axial skeleton. It includes skull, vertebral column, sternum and ribs. The skull contains 22 bones and there are two sets of bones in human skull, cranial and facial. Cranium bones envelope and protect the brain. There are 8 flat bones in the cranium that are 1. Ethmoid bone, 1 frontal bone, 1 occipital bone, 2 parietal bones, 1 sphenoid bone and 2 temporal bones. The face contains 14 bones, 2 inferior nasal conchae, 2 lacrimal bones, 1 mandible, 2 maxilla, 2 nasal bones, 2 palatine bones, 1 vomer, and 2 zygomatic bones. Hyoid bone is present at the base of buccal cavity. The lower jawbone called the mandible is the skull's only movable bone and the only one not directly connected to the other bones of the skull. Ear contains 3 tiny bones, malleus, incus and stapes called ear ossicles. The vertebral column or spine runs along the back of the body and connects to the bones of the chest or thorax. It forms the central part of the skeleton. It protects the spinal cord and supports the skull. The vertebral column is divided into 5 regions, 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, fused sacral and fused coccygeal. First vertebrae is atlas. Ribs are flat, narrow bones and there are 12 pairs of ribs. The first 7 ribs are called true ribs because they are directly connected to the sternum. The primary functions of the ribs is to protect lungs and heart. The 8th, 9th and 10th pair of ribs are connected to 7th rib with the help of the hyaline cartilage. These are called false ribs. 11th and 12th pair of ribs are not connected ventrally, hence they are called as floating ribs. Appendicular skeleton. The appendicular skeleton consists of girdles and the skeleton of the limbs. The upper limbs are linked to the pectoral shoulder girdle and the lower limbs are linked to the pelvic or hip girdle. The pectoral girdle consists of 2 bones, collarbone, also called clavicle, and a flat triangular bone called the scapula. The bones of the forelimb are humerus, radius and ulna, carpals, 8 bones, metacarpals, 5 bones and phalanges, 14 bones. Pelvic girdle consists of 2 large hip bones called coxal bones. Each hip bone consists of 3 fused bones, ilium, ischium and pubis. The ilium is the largest of the 3 and forms the upper part of the hip bone. The bones in the hind limb are femur, largest bone, tibia and fibula, tarsals, 7 bones, metatarsals, 5 bones and phalanges, 14 bones.